आगे बढ़ने के लिए एक ठोकर की ज़रूरत लाजमी होती है। वो कहते हैं ना कि थक के बैठा हूँ हार के नहीं, थक के बैठा हूँ हार के नहीं, बाजी हाथ से निकली है ज़िंदगी नहीं। आई एम आयशा खान, आई एम यंग सोशल एक्टिविस्ट इन हैदराबाद। आई एम वर्किंग विद मैनी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। हमें आगे बढ़ने के लिए एक ठोकर की ज़रूरत लाजमी होती है। वो कहते हैं ना कि थक के बैठा हूँ हार के नहीं, थक के बैठा हूँ हार के रही, बाजी हाथ से निकली है ज़िंदगी नहीं। जब आप एक ठोकर खाते हैं, लोग आपको गिराने का बहुत सोचेंगे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और अगर ख़ास करके लड़कियाँ कोई पॉजिटिव स्टेप के लिए निकलती हैं तो सोसाइटी उसे गलत वे में ही लेके जाती है। जैसे सोसाइटी की बातें इग्नोर करना इतना ही मुश्किल है जैसे अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को ढूंढना। लेकिन हम इन सब बातों को, ज़्यादातर लड़कियों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, इन सब बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना, अपने फ्यूचर प्लान करना। क्योंकि आजकल जिस तरह का हमारा माशरा है वो इस तरह हमें आगे बढ़ने नहीं देता। कुछ रिलेटिव्स आपके सामने आ जाते हैं कि गलत वे में लेते हैं कि इतनी आज़ादी क्यों। सबसे पहले आजकल का माहौल, बेशक मैं मानती हूँ इस बात को, बहुत आज़ाद है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें खुद भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई आपको उंगली पकड़ के आगे नहीं करवाएगा। आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन आप खुद हैं, आपके साथ एंड तक कोई भी आखिर तक नहीं चलता, आपकी मोटिवेशन सिर्फ आप हैं। क्योंकि वो सुना है ना कि बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, आपका एंड तक कोई भी साथ नहीं देगा, कोई आपके साथ नहीं आएगा, ना आपकी सिस्टर्स, ना रिलेटिव्स, ना फ्रेंड्स, क्योंकि आगे जाके सबको ही एक टेम्पररी पीरियड तक आपके साथ रहना है और आपका साथ छोड़ देना है। सिर्फ आपकी मोटिवेशन आप खुद बन सकते हैं। ये बात मेरी मामा ने सिखाई, बिकॉज माय मम इज़ माय इंस्पिरेशन। जब मैं स्कूल लेवल में थी, मुझे अच्छे से याद है, व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 1, तो मुझे बहुत, मैं कंफ्यूज होती थी, बहुत डरी हुई शाय स्टूडेंट थी मैं, बहुत मैं पोजीशन होल्डर थी। लेकिन जब मैं 1 क्लास में थी तो मेरी दोस्तें असेंबली के लिए जब मुझे बुलाती थी स्टेज पे, तो मैं फ़ौरन डर जाती थी, कंफ्यूज होती थी। मैं उनसे यही बोलती थी कि नहीं, आई एम नॉट ओके, मेरा गला ख़राब है, और ये सब कुछ बहाना लगा के मैं स्टेज पे जाती थी, क्योंकि मुझे ये डर होता था कि आसपास के लोग जो है वो मुझे खा जाएंगे इस तरह का। क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं वो आपके पेरेंट्स के बाद आपके उस्ताद होते हैं, सही है। और अगर वही उस्ताद आपको आगे ना बढ़ने दें, अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को आगे करें, तो आपको फिर अपने आप से यही होता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है। फिर मेरी मम्मा ने मुझे जज्बा दिया कि आगे बढ़ो, इस तरह कुछ भी नहीं होगा, डर के कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझे जज्बा दिया बहुत। और उसके बाद जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में पहुंची, तो बस मैंने सोच लिया कि 14 अगस्त का प्रोग्राम है और मैं इसमें पार्टिसिपेट लाजमी करूँगी। मैं गई, मैंने मिस को कहा मिस मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी, तो उनकी जो फेवरेट स्टूडेंट्स थी उन्होंने उसको आगे रख लिया और मुझे कहा नहीं, हम नहीं कर सकते। मैंने मम्मा को आके झूठ बोल दिया कि मेरा मूड ही नहीं था पार्टिसिपेट करने का, ये सब कर। मेरी मम्मा को पता चल गया, क्योंकि माँ है वो हर चीज़ जानती है, सब कुछ उसको पता होता है कि क्या चीज़ है, तो पहचान गई। मैंने बोला हाँ, इस तरह टीचर ने मुझे मना कर दिया था, जिस तरह से मुझे बोला मुझे बहुत उदासी फील हुई। खैर जो भी था, फिर जब मैं 4th स्टैंडर्ड में पहुँची तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पार्टिसिपेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मैडम को, प्रिंसिपल को, सबको मेरी लगी। उसके बाद सबकी जगहें डिसाइड हो गई, तो मेरी पहले आगे वाली जगह थी, लेकिन एट द मोमेंट स्टेज पर जब प्रोग्राम था तो उन्होंने मुझे पीछे कर दिया। ये मुझे बहुत उदासी फील हुई, क्योंकि मुझे था कि मैं सबसे अच्छा कर सकती हूँ और मुझे इस जगह आगे होना चाहिए था। इस तरह से आपको बहुत हर्डल्स आए। उसके बाद जो भी कोई बाहर का फंक्शन होता था, कोई इवेंट होता था, स्कूल वाले अपने से फेवरेट स्टूडेंट्स को भेजते थे, तो ये चीज़ें बहुत होती हैं जो आपको पीछे कर देती हैं। मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, मैंने एक सोशल वो थी ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम था सेम्स, उसमें मैंने सबसे पहले एज अ कैरियर काउंसलिंग कोर्स किया कि ताकि थोड़ा मुझ में कॉन्फिडेंस आए कि किस तरह बात करनी है, क्या करना है। मैंने वहाँ पे लिया एडमिशन, वहाँ पे गई, थोड़ा बहुत मुझ में ग्रूमिंग हुई कि मुझे पता चला कि कैसे बात करनी है, क्या चीज़ करनी है। जिस टाइम मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी कैरियर काउंसलिंग की, तो मुझे एक बहुत टेंशन थी, मेरी टांगें कपकपा रही थी, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने गई वहाँ पे, मैंने प्रेजेंटेशन दी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गई। सोशल एक्टिविज़म इंसान की लाइफ में बहुत अच्छे चेंजिंग लाता है। इस वजह से आप देखें, इज्जत बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। पैसे कमाने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन इस टाइम मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे अपनी इज्जत कमानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर चुकी हूँ अभी तक। ज़रूरी नहीं कि जो लोग आपको गिरा रहे हैं और आप हार मान के बैठ जाएंगे, हार कभी नहीं माननी, क्योंकि
लोग गयाने वाले बहुत होते हैं, संभालने वाला कोई भी नहीं। आप अपने आप को खुद संभालेंगे, जब आपको लोग गयाएंगे आपको पता होगा कि कुछ लोग आपसे जेलस हैं, वो आपको गयाना चाहते हैं, लेकिन आप सब अपने ऊपर हिम्मत रखें, काइंडली बच्चों को अपने लाजमी सपोर्ट करें, क्योंकि पौधे को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, बच्चों को बढ़ने के लिए अपने पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स और उस्ताद, इन दोनों का रोल बहुत कीमती है आपकी लाइफ में, आपके आगे बढ़ने में। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, सोसाइटी क्या सोचेगी ये बातें छोड़ दें, और हर चीज़ अपने आप से एक्सपेक्ट करें और सिर्फ अपने खुदा से, क्योंकि आपको ऊँचा मकाम देने वाला भी अल्लाह है। देखिए, नेवर एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्रॉम एनी वन। अगर आप किसी और से एक्सपेक्ट करेंगे वो आपको कुछ नहीं देगा सिवाय रसवाई के, बेइज्जती के, या आपको नीचे गिराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चंद टाइम के साथ देगा, उसके बाद छोड़ देगा। लेकिन अल्लाह है, अगर आप अल्लाह से दुआ करेंगे, आप मेहनत करते हैं और मेहनत करके आप अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह आपको आगे पहुँचाएगा, क्योंकि वो अल्लाह का काम है। आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, मेहनत कभी भी आएगा नहीं जाती किसी की। अभी रिसेंटली एक रॉट्रैक्ट है, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफ़ी पहले से वर्क कर रही है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। तो रॉट्रैक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज अ डायरेक्टर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की डेजिग्नेशन दी गई है, और आगे भी मैंने यही सोचा है। इस तरह से ही मैं अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके एक मोटिवेशन सेशन अटेंड करवाऊंगी अपना, जो मैं 15 से 20 मिनट का रखूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लड़कियों को इतना मोटिवेट करना है हमें अपनी सोसाइटी की, ताकि वो आगे बढ़ सकें और सोसाइटी की बातों को इग्नोर करें, क्योंकि वो सिर्फ आपके पीछे बातें ही कर सकते हैं, आपको नीचे गिरा सकते हैं। इंग्लिश का आर्टिकल था जो प्लांटेशन पे था, वो 15+ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ है और वेबसाइट्स पे, जिसमें से एक अमेरिकन वेबसाइट थी उस पे भी। ये काफ़ी एक, यानी कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, अचीवमेंट थी कि अल्लाह ने मुझे इतना आगे पहुंचाया। उसके बाद मेरा टीवी में इंटरव्यू आया जो ऑन एयर लाइव गया सबके सामने, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आपको एक बात बताऊँ, आप छोटी छोटी अचीवमेंट से आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये सोच लिया ना कि आपको सब आ गया, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, तब आपकी लाइफ वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। आप ये समझें कि आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं है आप, और आप आगे बढ़ते हैं, मामूली लोगों के साथ उठे बैठे हैं, अपनी जितनी भी इज्जत हो ना, जितने भी आप ऊपर मकाम पे पहुँचें, कभी गुरूर तकब्बुर ना करें, क्योंकि अल्लाह हमेशा ऐसे लोगों को नीचे गिराता है। तो बस आप अल्लाह पे फुल तवक्कल रखें, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपकी मोटिवेशन आप खुद हैं, अगर आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो आप आगे जाके भी बहुत कामयाब होंगे। आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स हासिल करें और उससे अपनी लाइफ को तब्दील करें, अच्छा बनाएं। सोशल एक्टिविज़म की वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आई, और वो ये चेंजिंग थी, जैसे मैं बहुत सहमी, डरी, घबराई हुई रहती थी, अब मैं पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, स्टेज पे बाकायदा सेशंस होते हैं वो देती हूँ। तो एक कन्फ्यूजन जो एक थी ना मुझ में बचपन में बहुत ज़्यादा थी, वो ख़त्म हो गई। और आप सबसे भी मेरी यही वो है पेरेंट्स से अपील कि काइंडली अपने बच्चों को सपोर्ट करें, महल्ले की बातों में, माशरे की बातों में आकर उनको डिप्रेस ना करें, उनको घर में बंद ना करें, इससे भी बच्चों का दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो काइंडली अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें, उनको सिखाएं किस तरह आपको आगे जाके बात करनी है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है। घबराना नहीं है, क्योंकि आपको घबरावाने वाले, तंग करने वाले बहुत लोग हैं। मैं यही बताती हूँ, हमारी सोसाइटी में ये है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। जब मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की थी सीखना, तो सबको ये था नहीं ये चला नहीं सकती। मैं अपने ख़ानदान में पहली लड़की थी जिसने ड्राइविंग सीखी थी। जब मैं पहली बार CNG भरवाने गई थी तो सब बोल रहे थे वो लड़की गाड़ी चलाई, यानी कि क्या हमारी सोसाइटी इतना नीचे गिर चुकी है कि इनको ये सोचना पड़ता है कि लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती। हमारे माशरे में काफ़ी लड़कियाँ जो बाइक्स भी चला रही हैं, बड़ी बड़ी ऑफिसर्स भी लड़कियां हैं, तो लड़कियां काफ़ी कुछ कर सकती। सबसे पहले तो आप बुक्स रीडिंग करें, क्योंकि बुक्स में ऐसी कुछ स्टोरीज होती हैं जो आपको काफ़ी मोटिवेट करने में आपका साथ देती हैं। काफ़ी मुझसे लोगों ने कहा, मेरे टीचर्स ने बोला तुम सोशल लाइफ में आ गई हो, तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि मैं पोजीशन होल्डर थी। अगर मैंने एक पढ़ाई को छोड़ के एक सोशल लाइफ में आई थी, तो सबका यही मुझसे सवाल था। मेरी दोस्त से इवन कहती थी, अबे यार छोड़ ये चीज़ें, पढ़ाई पर ध्यान दें। तो उनको भी मैं यही चीज़ कहूँगी कि देखिए, हर चीज़ टाइम मैनेजमेंट होती है, सही है ना। आप मोबाइल यूज़ करना छोड़ते हैं, नहीं ना, आप नहाना छोड़ते हैं, आप ये पार्टिकुलर चीज़ें हैं जो आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप 5 घंटे बैठ के TV देख सकते हैं, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, इतना फजूल टाइम इन चीज़ों में वेस्ट कर सकते हैं, तो इससे अच्छा आप सोशल लाइफ में जाएं, फलाह बहबूद के लिए काम करें, लोगों की दुआएं लें। आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा, सबसे बड़ी बात है आपको एक्सपीरियंस होगा, आपके जो स्किल्स हैं वो इन्हेंस होंगे, पॉलिश होंगे, तो इस
इसमें ये फ़ायदा है कि आपको पता चलेगा आगे किस तरह निकलना है। इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं जो फॉरेन जाने की होती हैं, फुल फंडेड होती हैं तरह से। तो आप हर चीज़ में टाइम मैनेजमेंट करें, सोने का एक टाइम रखें। हर कामयाब इंसान की यही पहचान है कि वो अपना टाइम टेबल क्रिएट करता है अपने हिसाब से, कि उसको सुबह कितने बजे उठना है, फजर की नमाज के बाद उसको एक्सरसाइज करनी है, क्या वर्क करना है, क्या नहीं करना, वो सब। आप पढ़ाई को पीछे ना रखें, जो आपकी पढ़ाई का टाइम है वो आप पढ़ाई को दें, जो सोशल लाइफ का टाइम है वो सोशल लाइफ को दें। जैसे आप टीवी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मोबाइल में वेस्ट करते हैं, आजकल की हमारी न्यू जनरेशन ऐसी है कि उसको सोशल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं, इससे ज़्यादा मोबाइल और फेसबुक में इंटरेस्ट है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के आप सोशल लाइफ में इंटरेस्ट दें, लोग जानेंगे, इज्जत से पहचानेंगे, जहाँ भी जाएंगे आपकी अलग इज्जत होगी। जो न्यू यूथ है बिल्कुल, वो आए सोशल लाइफ में, अपने स्किल्स को इन्हेंस करे, पॉलिश करे, आगे देखे किस तरह आपको चलना है, किस तरह लोगों से मिलना है, बात करनी है। तो मेरा यही मैसेज है आप सबको, काइंडली इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आगे जाके आपके लिए बहुत काम आएगी।